channel. This is Anupriti here. So today's video is my current hair care routine. So आपने बहुत request किया इस video के लिए. So here I am. आपने ये भी request किया कि मैं इस video को हिंदी में बनाऊँ. So I hope you guys are very excited for this video. Also we have crossed 150k subscribers. I'm super happy that we are finally 150k family. And thank you so much guys for all the love and support. So yeah guys, without further ado, video में चलते हैं. सो करंटली मैं जो हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. ऑल्सो मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ और इनके बेनिफिट्स क्या है हमारे हेयर के लिए. सो जो मैं हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ उसका जो मेन यू नो इंग्रेडिएंट है या प्रोडक्ट बोल लीजिए वो है एलोवेरा जेल. एंड एलोवेरा लीफ और एलोवेरा में विटामिन पी, विटामिन बी 12 और विटामिन सी होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर. ये आपके स्कैल्प को यू नो कूल भी रखता है गर्मियों में एंड ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, उनको सिल्की सॉफ्ट रखता है. अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई भी यू नो मार्केट से लिया हुआ पतंजलि का या जो भी आपके पास है वो एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं. एलोवेरा में क्या रहता है, थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स रह जाते हैं जिससे वो आपके हेयर में स्टिक हो सकते हैं. तो आप उसको यू नो स्ट्रेन कर सकते हैं, छन्नी में छान सकते हैं, बिकॉज अगर वो आपके हेयर में स्टिक हो जाएंगे तो वॉश करने पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है निकलना. सो स्ट्रेन द एलोवेरा देन यूज़ इट ऑन योर हेयर. माई सेकेंड इन्ग्रीडियंट इज़ कर्ड. कर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर, वो आपके हेयर को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और सिल्की सॉफ्ट बनाता है. एंड नेक्स्ट थिंग विच आई रियली लव टू यूज़ आर दीज टू ऑयल्स. सो दीज आर द जूसी केमिस्ट्री कोल्ड प्रेस्ड करियर ऑयल. दिस वन इज़ होवोबा ऑयल एंड दिस वन इज़ रोज हिप सीड ऑयल. तो होवोबा ऑयल मैं पास्ट 2 ईयर्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई जस्ट लव टू यूज़ होवोबा ऑयल ऑन माई हेयर. एंड रोज़ हिप ऑयल मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, बट आई एम सीरियसली फॉलिंग इन लव विद दिस ऑयल. सो मैं इनको एक साथ में यूज़ करती हूँ. समटाइम्स आई यूज़ द रोज हिप सीड ऑयल, समटाइम्स आई यूज़ द होवोबा ऑयल. अगर आपको बहुत थिन हेयर है एंड हैवी कंडीशनर करने से आपके हेयर बहुत ज़्यादा वे डाउन हो जाते हैं, सो जो होवोबा ऑयल है वो आपके थिन हेयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, उसको वे डाउन होने से बचाएगा एंड इट मेक दैम लुक मोर पफी एंड वॉल्यूमस. एंड गाइस कैन यूज दिस हेयर मास्क वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, डिपेंड्स ऑन योर हेयर टेक्सचर. सो माई नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई रियली लव टू यूज इन माई हेयर मास्क इज दिस रोज मेरी एसेंशियल ऑयल. ये आपको नायका अमेजोन कहीं भी मिल जाएगा. मैं नायका रोज मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ. सो टू प्रिपेयर दिस हेयर मास्क मैंने सबसे पहले मिक्सर में एलोवेरा जेल को मिक्स कर लिया. देन आई हैव एडेड 4 टेबल स्पून ऑफ कर्ड, 2 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ होवोबा ऑयल. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस हेयर मास्क टू माई हेयर फ्रॉम यू नो रूट टू टिप. और इसको मैं अपने पूरे हेयर में बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. एंड देन आई एम गोइंग टू लेट इट सिट फॉर 30 to 40 minutes एंड देन आई एम गोना वॉश इट ऑफ. सो कर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर. मैं अपने हर हेयर मास्क में कर्ड जरूर यूज़ करती हूँ. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हेयर है सो प्लीज़ यूज़ कर्ड. कर्ड जो है वो रिच इन प्रोटीन होता है जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, आपके स्कैल्प को कंडीशन करता है, आपके हेयर को कंडीशन करता है, आपके हेयर के शाइन फैक्टर को इम्प्रूव करता है. सो रोजमेरी हेयर ऑयल जो होता है वो आपके स्कैल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है उसको भी इम्प्रूव करता है, जिसके कारण आपके हेयर जो है फास्ट ग्रो करते हैं. आप इसको किसी भी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके सिंपली लगा सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ. एंड या आप अपने हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस टाइम, यू नो पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, आप उसको लगा के रात को ऑयलिंग करके सो जाइए. सो करंटली द शैम्पू विच आई एम यूजिंग इज दिस ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ विद केराटिन एंड आर्गन ऑयल शैम्पू. आई बीन यूजिंग दिस शैम्पू फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स. सो मैं बीच बीच में शैम्पूज भी स्विच करती हूँ, बट ये मेरा परमानेंट है. लाइक मैं बहुत सारे शैम्पूज ट्राई भी करती हूँ बट मैं वापस जाके इसी पर स्विच हो जाती हूँ. द कंडीशन विच आई एम यूजिंग इज द सेम ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ कंडीशनर. इट डज रियली सूट माई हेयर. सो शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके हेयर को सूट करे एंड लेस हेयर फॉल हो जिससे. सो दिस इज माई करंट हेयर केयर रूटीन. आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा. नहीं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा.
Also, don't forget to follow me on Instagram. मैं अपने Instagram account के link अपने description box में नीचे दे दूँगी. So please go ahead and follow me on Instagram so that we can connect more on my Instagram. So I'll see you guys in my next video. I hope आपने इस video को बहुत अच्छे से enjoy किया होगा. And if you guys have any request किसी video की, do tell me in the comment section below. And yeah, I hope you guys are doing well. You guys are safe at home. And I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.